हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। अभी विंटर्स का सीजन शुरू हो गया है, यानी कि मौसम थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने लगा है। विंटर का सीजन आ रहा है और इस सीजन में ना स्किन ड्राई होने लगती है, स्किन फटने लगती है। ये सबके साथ होता है। अगर ऑयली स्किन है जिनकी, उनकी भी स्किन इस समय ड्राई ड्राई सी हो जाती है। उनको भी क्रीम की या ऐसी कोई ऑयली चीज की जरूरत होती है जिससे उनकी स्किन ड्राई ना रहे। तो आज मैं आपके लिए जो DIY लाई हूँ, यानी जो आपकी किचन में ही मिल जाएगा और बहुत ज्यादा मतलब फ्री का कहें तो बिल्कुल फ्री का, ये आपकी स्किन से ड्राइनेस को दूर करेगा। अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हो तो आपकी जो फाइन लाइन्स रिंकल्स की प्रॉब्लम है वो भी जाएंगे। और इसको हर एज के लोग यूज कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, पापा मम्मी सब यूज कर सकते हैं, यानी हर एज के लोग यूज कर सकते हैं। तो क्या है ये एक चीज, इकलौती एक चीज ऐसी है जिससे आपकी ड्राइनेस भी जाएगी, फाइन लाइन्स रिंकल्स की भी प्रॉब्लम जाएगी और स्किन में गजब का ग्लो आ जाता है अगर आप इसको डेली लगाते हो। तो चलिए ज्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए मैं आपको बताती हूँ वो चीज क्या है। तो गाइस, हम इसके लिए लेंगे एक चम्मच मलाई। एक चम्मच मलाई काफी सफिशियंट है। और ये देखो, ये तो सबके किचन में होती ही है। तो ये दूध की मैंने ताजी मलाई ली है। और ये इस तरह से अगर आप इसको थोड़ा सा फ्रिज में रख दोगे ना तो इसका ये थोड़ा गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी। जैसे ये फ्रिज की ही मलाई है, ठंडी मलाई है, और चम्मच मलाई ही काफी सफिशियंट है। तो इस मलाई को लेंगे और इस मलाई को अच्छे से फेंट लेंगे, बढ़िया से फेंट लेंगे। देखो, और जितना आप इसको फेंटोगे ये एक ऐसा क्रीम के जैसे बन जाएगी। और हाँ, इसको ऑयली टू नॉर्मल हर स्किन के लोग लगा सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है उसके लिए भी मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है इसमें। ये वाकई बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, ये मलाई, दूध की मलाई बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है स्किन के लिए। स्किन से फाइन लाइंस रिंकल्स को दूर करती है, स्किन में ग्लो लाती है, कलर को बहुत ज्यादा फेयर करती है। तो ये ले लिया है मैंने मलाई। आपकी जो पिगमेंटेशन के निशान है, पिंपल्स के निशान हो, ब्राउन से ब्लैक से जो चेहरे पे स्पॉट हो जाते हैं वो चले जाते हैं, दाग धब्बे तो चले ही जाते हैं, साथ ही फाइन लाइन रिंकल्स भी चले जाते हैं। तो ये मैंने मलाई को अच्छे से फेंट लिया है। आप देख सकते हो ये अब एक क्रीम के जैसे बन गई है। ठीक है, अब हम इसमें मलाई में हमको डालना है नींबू। तो नींबू को हम थोड़ा सा ही लेंगे। कि ऑयली स्किन है तो आप इसमें नींबू डाल ही रहे हो, नींबू से दाग धब्बे भी जाएंगे और आपका ऑयल जो है, आपकी स्किन से जो ऑयल निकलता है उसका कंट्रोल रहेगा, यानी आपके ऑयल बैलेंस को कंट्रोल करता है नींबू। नीचे निकाल दिए, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी बूंदे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसमें 5 से 6 7 बूंदे डाल देंगे। अगर आपकी नॉर्मल है, मेरे जैसी ड्राई स्किन है, तो थोड़ी सी ही डालेंगे, 2-3 ड्रॉप डालेंगे, क्योंकि मेरी तो ऑलरेडी ड्राई है। अब इसमें नींबू डाल दिया है। नींबू डालने के बाद आप देखोगे इसका कमाल। तो ये नींबू डाल करके मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इससे क्या करना है, इसको आप नहाने जाने से पहले करो तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि मैं हर चीज जैसे जब नहाने जाती हूँ तभी कर लेती हूँ, उसको ज्यादा सही लगता है। तो ये आपकी जो DIY क्रीम बनके तैयार हुई है, काफी इफेक्टिव क्रीम तैयार हुई है। इसको कैसे यूज करना है मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को कर लेती हूँ पीछे। इस तरह से मैंने अपने बालों को कर लिया पीछे। अब आपको लेनी है थोड़ी सी मलाई। और हाँ, आप ये आपके पास जब टाइम हो आप तब कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप तो मॉर्निंग में ही करो। मैं अधिकतर ये सब मॉर्निंग में काम कर लेती हूँ। तो ये मलाई ली और इसको अच्छे से रब किया और हमने लिया हल्के हल्के से मसाज की। आप जानते हो दूध स्किन को बहुत ज़्यादा फायदा करता है, मेलनिन को कम करता है, यानी कि आपका जो टैनिंग हुई है स्किन में या फिर आपका कालापन है, दाग धब्बे हैं उनको दूर करता है, कलर को फेयर करता है, स्किन को स्मूथ करता है, बेबी स्किन बना देता है अगर आप इसका डेली यूज़ करते हो। आप देखोगे थोड़े दिनों में ही अगर आप डेली यूज़ करते हो, इस तरह से हल्के से मसाज कर लेते हो। और ये मसाज पता है आपको तब तक करनी है जब तक ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये आप किसी भी टाइम कर सकते हो। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो आप हल्के हल्के हाथों से दूध में थोड़ा सा नींबू का रस स्टिल इसलिए डाला है, नींबू जो है स्किन को जो है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसको बैलेंस करता है और कलर को नींबू भी फेयर करता है, क्योंकि नींबू में काफ़ी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, फाइन लाइन रिंकल्स को दूर करता है। तो जब ये दोनों चीज़ें मिला करके आप इन दोनों का मिक्सर अपने फेस पर लगाते हो एज अ क्रीम के तौर पर या फिर मसाज के तौर पर, तो आपको खुद ही फ़र्क दिखेगा। अब ये पूरा देखो थोड़ी सी देर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। अब क्या करना है, अब आपको या तो जो है गुनगुने पानी से अपने फेस
को इसी तरह से क्लीन कर लेना है। इसके बाद आपको फेस वॉश वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर आपको लग रहा है बहुत ऑयली ऑयली से है, आपकी स्किन क्लीन नहीं लग रही है, तो आप थोड़ा सा बेसन लेकर के भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हो। बेसन से कर सकते हो, आटे के चोकर से कर सकते हो, या फिर आप इसी तरह से जो है गीला हैंकी करके आप अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हो। तो आप देखोगे आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। आप मेरे कहने से 10-15 दिन करके देखिए, अगर आपकी ऑयली स्किन है तब भी आपको ये अच्छा फ़ायदा देगा। बस आप ऑयली स्किन में थोड़ा सा नींबू का रस ज़्यादा मिला लो, और ये मलाई आप बना करके रख सकते हो। थोड़ा सा फ्रिज में रखोगे तो जम सी जाती है, लेकिन ये ख़राब नहीं होगी, और इसको आप 3-4 दिन तक के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ताज़ी मलाई मिलती है तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि रोज़ दूध में निकलती है, तो सिर्फ आपको एक ही चम्मच मलाई चाहिए। ये मैंने पूरे फेस को अपने देखो क्लीन कर लिया, एज अ क्लिंजर भी ये काम करता है। अभी मैंने मेकअप किया हुआ था, पूरा मेकअप भी देखो आप इससे रिमूव हो गया है, स्किन में ग्लो अच्छा सा आ गया है। तो हो सके तो जब ये आप मलाई वाला मसाज कर रहे हो तो आप हल्के गुनगुने पानी से ही फेस को अपने क्लीन करो। अब आती है हाथ पैरों की बारी, तो इसको आप पैर में, तो मैं खैर दूध की मलाई वगैरह दूध से संबंधित कोई भी चीज़ पैर पे नहीं लगाती हूँ, लेकिन आप इसको अपने हाथों में लगा सकते हो, टमी में भी लगा सकते हो, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। तो ये देख सकते हो बहुत बढ़िया सा ग्लो सा आ गया, ये देखो कितना ग्लो आ गया है ना एक ही बार के यूज़ में। अगर इसी जगह आप कोई फेस वॉश वगैरह यूज़ करते तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती और उसके बाद आपको लगाना पड़ता कोई भी मॉइस्चराइज़र, लेकिन ये देखिए इससे मेकअप भी हट गया और स्किन भी क्लीन हो गई और ग्लो भी हो गई, और आपको किसी और क्रीम वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो है ना बढ़िया इफेक्टिव। अब अगर आप इससे मलाई से अगर आपके हाथ वगैरह भी तो बहुत ज़्यादा फटते हैं ना जाड़े में, नेल्स ज़्यादा चटकने लगते हैं, नेल्स चटकने लगते हैं, और नेल्स के जो ऊपर ये ओपन जो पोर्स होते हैं, जो हाथ के पोर्स सबसे ज़्यादा तो पोर्स फटते हैं, सब्जी वगैरह काटो ना, तो आप इसे अच्छे से मसाज करो। ये देखो जैसे मैं कर रही हूँ पोर्स में मसाज, उंगलियों में, उंगलियों में आप इस तरह से मसाज करो, उंगलियाँ जो फट जाती हैं ना, दरारें सी पड़ जाती हैं बहुत सी लोगों की हथेली में, तो आप इसमें इस तरह से अच्छे अच्छे से मसाज करो। आप देखोगे आपके हाथ बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम से हो जाएंगे। अब बहुत से लोगों के ना स्किन में चकत्ते चकत्ते से हो जाते हैं, मतलब मोटी मोटी सी हो जाती है जाड़े में, काले काले से हो जाते हैं हाथ के जो उंगलियों के जो पोर्स होते हैं वो काले काले से हो जाते हैं, इससे बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप इससे इस तरह से मसाज करोगे आपका कालापन भी जाएगा, टैनिंग जाएगी, और इसको आप नेक पे भी कर लो। तो भैया एक ही चीज़ से आप फुल बॉडी की अपनी केयर कर सकते हो, बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप इसका यूज़ करते हो हफ्ते भर, मतलब मैं ज़्यादा दिन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 8 दिन आप अगर इसका यूज़ करते हो तो इसके आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे भैया कि हर कोई पूछेगा क्या कर रहे हो आजकल। तो आप मुझको इंस्टा पे टैग करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। नेल्स भी आपके चिकने चिकने सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाएंगे, क्योंकि मेरे नेल्स भी थोड़ा सा ड्राई हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।